अस्सलामु अलैकुम। इनायास किचन में आप सबका इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ येलो पोटैटो सब्ज़ी। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। येलो पोटैटो चटनी के लिए हमें चाहिए प्याज 1 मीडियम साइज़, पोटैटो मीडियम साइज़ 5 या 6, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई 4 या 5, ज़ीरा 1 टीस्पून, राई 1 टीस्पून, कड़ी पत्ता थोड़ा सा, नमक 1 टीस्पून और हल्दी। सबसे पहले हम प्याज को स्लाइस कट करेंगे। प्याज को स्लाइसेस करने के बाद हम पोटैटोस को भी स्लाइसेस कर लेंगे। पोटैटोस को स्लाइस हम पानी में करेंगे। एक बाउल में पानी लेकर हम उसी में पोटैटो स्लाइस करेंगे ताकि पोटैटोस लाल ना हो जाए, इसलिए उसे हम पानी में ही कट करेंगे। फिर हम पैन में रिफाइंड ऑयल डालेंगे, उसी में ज़ीरा, राई, कड़ी पत्ता डालकर गैस का फ्लेम लो करेंगे। फिर उसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे और उसके बाद हम उसमें प्याज डालेंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे और लो फ्लेम पर ही हम उसे थोड़ी देर सॉटे करेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम बड़ा करने के बाद हम उसमें उसको अच्छी तरह से सॉटे करेंगे। फिर उसमें हम नमक डालेंगे, अपने स्वाद के हिसाब से डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम उसमें हल्दी डालेंगे, उसको अच्छी तरह सॉटे करेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे कि वो प्याज में नमक, हल्दी, ज़ीरा, राई, कड़ी पत्ता तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तब हमने जो पानी में पोटैटोस स्लाइसेस करके रखे थे उन स्लाइसेस का पानी निथार कर, पूरा पानी निथार कर हम उस पैन में उसे डालेंगे। जब उसे हम पूरी तरह उसमें डालेंगे तो उसको उस मिक्सचर के साथ धीरे धीरे हम उसमें मिक्स करेंगे। इस तरह मिक्स करेंगे कि तमाम चीज़ें उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर हम गैस का फ्लेम लो करके उसको ढक्कन ढककर बारीक गैस पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर पोटैटो को चेक करेंगे कि वो गला है या नहीं। अगर पोटैटो अच्छी तरह गल गया है तो हमारी चटनी सर्व करने के लिए तैयार है। इस तरह से हम कम टाइम में पोटैटो की बेस्ट सब्ज़ी बना सकते हैं। शुक्रिया। Thanks for watching.